guys, I am Riya Bhatia. Welcome back to my YouTube channel. And this vlog is very informative because मैं आपको बताऊंगी आज की how to open a bank account in United Kingdom, in England, as a student or in spouse visa. तो हम दो चीज़ों से कैसे खुलवा सकते हैं बैंक अकाउंट, एक तो स्टूडेंट से और एक स्पाउस वीज़ा से. मेल और फीमेल का अलग अलग प्रोसेस होता है कि कैसे ओपन कराते हैं. तो फर्स्ट हम स्टूडेंट की बात करते हैं. तो स्टूडेंट बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा है तो कैसे कराए. फर्स्ट जैसे वो BRP कलेक्ट कर लेगा, उसके बाद उसने अपनी यूनिवर्सिटी में जाना होता है लेटर लेने, बैंक का लेटर लेने, नहीं तो ऐसे ओपन नहीं हो सकता बैंक अकाउंट. तो वो आपकी अकॉर्डिंग जो भी आप चाहो, आपने बार्क्लेज में ओपन कराना है, लॉयड्स में, NatWest में, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि जिसमें आपने कराना है, तो वो आपको बैंक का लेटर दे देंगे. तो वो आपने लेकर उस बैंक में जाना है जो आपने चूज़ करा है बैंक. एग्जांपल आपने लॉयड्स चूज़ करा है तो आपने लॉयड्स में जाना है बैंक में. तो आपने वहाँ जाकर बोलना है कि मुझे मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना है. और वो फिर आपसे मांगेंगे लेटर जो आपने यूनिवर्सिटी से लिया है. तो वहाँ पर आपने उनको लेटर देना है. तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे 3, 4, या 5 दिन के अंदर अंदर आपको बुला लेंगे. वो अपॉइंटमेंट दे देंगे कि जब आपका ओपन हो जाएगा बैंक अकाउंट. तो आपको 4 to 5 days बाद जाना है. जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिली है तो उस दिन आपका वो जो ओपन हो जाएगा. उसके बाद आती है डेबिट कार्ड की बारी कि डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा. डेबिट कार्ड वो आपको उसी टाइम बता देंगे कि बिकॉज डेबिट कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैश ज़्यादा सेफ नहीं है कि आपने अपने पास आप कैश रखो. तो अपने कार्ड में रखो तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो जाती है, हर जगह कार्ड पेमेंट हो जाती है, बसेस में भी कार्ड पेमेंट हो जाती है. तो कैश को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. 10 to 15 pounds अपने पास रखो और सारे कार्ड के अंदर करा लो. तो और इसका फ़ायदा ये है कि हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. तो डेबिट कार्ड इम्पॉर्टेंट. तो वो आपको बता देंगे कि डेबिट कार्ड आपका 8 to 14 days के अंदर अंदर अपने एड्रेस पर ही आ जाएगा. एड्रेस पर पोस्ट कर देंगे वो आपके, जो एड्रेस आपने बैंक में दिया हुआ है उस एड्रेस पे आपका जो बैंक का कार्ड डेबिट कार्ड है वो आपका आ जाएगा. तो ये हुई डेबिट कार्ड की बात. तो अब आते हैं कि स्पाउस वीज़ा, एज अ स्पाउस वीज़ा मेल और फीमेल कैसे ओपन करा सकते हैं. जो फीमेल है, फीमेल का तो सेम प्रोसेस रहता है जैसे कि एज अ स्टूडेंट, क्योंकि वो स्टूडेंट ही है. तो स्टूडेंट के प्रोसीजर सारा सेम प्रोसीजर होगा, जैसे यूनिवर्सिटी से लेटर लेकर बैंक में जाएंगे तो वो तो हो जाएगा. और जो है मेल है वो कैसे ओपन करा सकते हैं, उनका थोड़ा लेट प्रोसीजर है. जैसे वो BRP आएगा, उनका जो भी सब कुछ नेशनल इंश्योरेंस नंबर आएगा, उसके बाद उनका क्या बनता है, प्रोविजनल लाइसेंस बनता है. प्रोविजनल लाइसेंस पोस्ट ऑफिस से आपको एक फॉर्म मिलेगा प्रोविजनल लाइसेंस का, तो आपको वो फिल करना है. और उसके साथ आपको मे बी 44 pounds लगते हैं, 44 pounds देने हैं. और उसके साथ आपको क्या देना है, पासपोर्ट, अपनी ID देनी है, BRP या पासपोर्ट, तो वो चला जाएगा. तो आफ्टर 10 to 15 or 20 days के अंदर अंदर आपका वो वापस आ जाए, आपका प्रोविजनल लाइसेंस बन जाएगा. तो प्रोविजनल लाइसेंस बन गया. प्रोविजनल लाइसेंस कितने इयर्स का बनता है, इट्स ऑफ 10 years. 10 years का आपका प्रोविजनल लाइसेंस बन जाता है. तो उसके बेस पर आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा. तो मेल जो है वो जाएगा अकाउंट ओपन कराने बैंक में, तो वो प्रोविजनल लाइसेंस मांगेंगे. तो प्रोविजनल लाइसेंस आप दिखा देंगे तो वैसे ही आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे. अपॉइंटमेंट के बाद आपका जो जिस दिन अपॉइंटमेंट है उस दिन आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा. तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स UK आ रहे हैं या एज अ स्पाउस आ रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहे. सो मैं आपको बता दूँ एक गुड न्यूज़ है कि जो 12 अप्रैल को है जो लॉकडाउन ओपन होने जा रहा है, मतलब सब कुछ ओपन हो जाएगा. मोस्टली सारे जो नॉन एसेंशियल शॉप्स थी और रेस्टोरेंट्स थे, सिटिंग्स थी, सब कुछ ओपन हो जाएगा. तो इट्स वेरी गुड न्यूज़ वो ऑल इन द UK. तो 12 अप्रैल के बाद हम बहुत सारी ब्लॉगिंग करेंगे, बर्मिंगम सिटी सेंटर में ब्लॉगिंग करेंगे. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट कर बताना कि मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं. एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी.